देश में सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कान्हा की नगरी मथुरा में भी डीएम एसएसपी लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और लोगों से संवाद किया जा रहा है। पैरामिलिट्री और भारी संख्या में पुलिस बल ने मथुरा में फ्लैग मार्च निकाला। एसएसपी ने बताया कि मथुरा गंगा जमुनी तहजीब का शहर रहा है, सभी धर्मगुरुओं के साथ संवाद किया जा रहा है। जो हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं उनका भी हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। मिश्रित आबादी के क्षेत्रों में भी लगातार भ्रमणशीत करते हुए लोगों से संवाद बनाया जा रहा है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे अमन चैन का माहौल है। गंगा जमुनी तहजीब का जनपद है जनपद मथुरा। लगातार हम लोग सभी धर्म सभी संप्रदाय के लोगों से संवाद स्थापित करते हुए अच्छा समन्वय है यहाँ पे। सीए लागू होने के बाद आगरा में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस कमिश्नर और डीसीपी सिटी खुद सड़कों पर दिखाई दिए। देर रात को पुलिस कमिश्नर जी रविंद्र गौड़ और डीसीपी सिटी सूरज राय फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे। उन्होंने मुस्लिम क्षेत्र में जाकर लोगों से बातचीत की और सुरक्षा का भरोसा जताया। मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के जमीन विवाद मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। ये सुनवाई दोपहर 2 बजे से जस्टिस मयंक कुमार जैन के सिंगल बेंच में होगी। अदालत इस मामले में अभी याचिकाओं की पोषणीयता पर सुनवाई कर रही है। आज की सुनवाई में सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की तस्नीम अहमदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बहस को आगे बढ़ाएंगी। मुस्लिम पक्ष की बहस खत्म होने के बाद अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा। उम्मीद है कि कल की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो जाएगी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को असलहा लाइसेंस में धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार दिया गया है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट आज सजा सुना सकती है। ये मामला 36 साल पुराने बंदूक के फर्जी लाइसेंस से जुड़ा हुआ है। इसमें मुख्तार अंसारी पर डीएम और एसपी का फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस लेने का आरोप लगा था। इस मामले की सुनवाई में बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माफिया मुख्तार अंसारी जुड़ा हुआ था। पिछली सुनवाई 27 फरवरी को हुई थी जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी की गई थी। कोर्ट ने तब 12 मार्च को फैसला सुनाना तय किया था। कल कोर्ट ने मुख्तार को दोषी तो करार दिया लेकिन आज तक के लिए अपना फैसला टाल दिया है। अमरोहा में बिजली का खंभा टूट कर गिरने से 2 संविदाकर्मी लाइनमैन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया जहां पर डॉक्टरों ने एक की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों गजरौला के मोहल्ला सुल्तान नगर में बिजली के खंभे पर चढ़कर एलटी लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। अचानक खंभा टूट कर जमीन पर गिर गया जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। दोनों संविदाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कहाँ से भाई?